की विशालता और विविधता के चलते कुछ विषयों पर संविधान निर्माताओं को बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ा। उनमें से एक है भाषा। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 50 भाषाओं में से 13 भारत से है? हर भाषा को बोलने वाले करोड़ों लोग हैं। कई भाषाओं वाले भारत में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी को केंद्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। साथ ही जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनके लिए भी उचित सम्मान की व्यवस्था की गई। एबीपी न्यूज की संविधान सीरीज में अब बात भाषा से जुड़े प्रावधानों की। भाषा को लेकर मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करने से पहले बात अनुच्छेद 29 और 30 की। संविधान सीरीज में हम पहले ये देख चुके हैं कि ये दोनों अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं। इनमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात कही गई है। यह साफ लिखा है कि अल्पसंख्यक का अर्थ सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं बल्कि भाषाई अल्पसंख्यक भी है। अगर किसी क्षेत्र में किसी भाषा के बोलने वाले अल्पसंख्यक हों तो वो अपनी भाषा के संरक्षण के लिए स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद के कामकाज की भाषा पर चर्चा की गई है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी को संसदीय कामकाज की भाषा कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई सांसद अपनी बात हिंदी या अंग्रेजी में रख पाने में सक्षम नहीं है तो सभापति उसे उसकी मातृभाषा में बात रखने की अनुमति देंगे। उसके भाषण का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद बाकी सांसदों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 210 में राज्य विधानसभा की भाषा का जिक्र है। इसमें लिखा गया है कि विधानसभा के कामकाज की भाषा उस राज्य की आधिकारिक भाषा या हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। मतलब राज्य में जो भाषा प्रमुखता से बोली जाती है उसे वहां वही दर्जा दिया जाएगा जो केंद्रीय स्तर पर हिंदी का है। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। दरअसल जब संविधान निर्माता भाषाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा रखी जाए। बहुत से संविधान निर्माता हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे, लेकिन इसे लेकर विवाद हो रहा था। ऐसे में काफी चर्चा के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के मुताबिक देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। इसमें न्यूमेरल्स यानी गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाली संख्या का प्रयोग हिंदी में होगा, लेकिन उसे लिखने का स्वरूप वही होगा जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता है। मतलब आधिकारिक रूप से हम 1, 2, 3, 4 की बजाय 1, 2, 3, 4 बोलते हैं, लेकिन उसे लिखा उस स्वरूप में नहीं जाता जो देवनागरी लिपि का स्वरूप है। उसे अंतरराष्ट्रीय रूप से लिखे जाने वाले स्वरूप में ही लिखा जाता है। संविधान में यह भी लिखा गया है कि अंग्रेजी 15 साल तक आधिकारिक भाषा का दर्जा रखेगी। इसके बाद संसद की इजाजत से यह दर्जा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 345 में राज्यों की आधिकारिक भाषा पर चर्चा की गई है। इसके मुताबिक किसी राज्य की विधानसभा वहां बोली जाने वाली एक या एक से ज्यादा भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे सकती है। वहां सरकारी कामकाज उस भाषा में किया जा सकता है। हालांकि जब राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ संवाद करना हो तो ऐसा उसी भाषा में हो सकता है जिसे केंद्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा माना गया है। अनुच्छेद 348 में उच्च अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ कानून अध्यादेश वगैरह की भाषा का जिक्र है। लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। केंद्र और राज्य के स्तर पर आधिकारिक भाषाओं को दर्जा देने के बावजूद संविधान में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इसके चलते सामान्य नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 350 में यह लिखा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी किसी समस्या के निवारण के लिए भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में सरकार के किसी विभाग या पुलिस को आवेदन दे सकता है। उसका आवेदन लेने से
कोई भी विभाग ये कहकर मना नहीं कर सकता कि उसे जिस भाषा में लिखा गया है वो आधिकारिक भाषा नहीं है। भाषा पर चर्चा को विराम देने से पहले आखिरी बात संविधान की 8वीं अनुसूची की। इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दिया गया है। ये भाषाएं हैं असमीज, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भाषा से जुड़े प्रावधानों को देखने पर साफ हो जाता है कि संविधान में देश की हर भाषा को पूरा सम्मान दिया गया है। हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे देश भारत को महानतम बनाता है। 70 साल पहले 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में हमारा संविधान पारित हुआ। आज हम गर्व से इस दिन को संविधान दिवस के नाम से मनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एबीपी न्यूज की इस खास सीरीज के जरिए भारत का एक आम नागरिक भी संविधान के पहलुओं को जान और समझ पाया होगा। अगर आम नागरिक मजबूत होगा तो इससे हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। जय हिंद।